समाज सेवक और शिवसेना नेता मोहसिन चिनप्पा ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर एक नए नारे को दिया पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत के साथ मनाया। इस दौरान मीरा भाईंदर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गाड़ी में तिरंगा झंडा और भारत माता जय के नारों के साथ आगे बढ़े। मोहसिन चिनप्पा फाउंडेशन द्वारा मीरा भाईंदर के NGO द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सपोर्ट भी किया और बच्चों के साथ मनाया गणतंत्र दिवस। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने मोहसिन चिनप्पा के कार्यों की सराहना की। हमने सर गणतंत्र दिवस की और सर जिस तरह से आप सुबह से ही सर फ्लैग वो कर रहे हैं उसके हम क्या कहीं से देखिए मीरा भाईंदर में जो राजनीतिक दल है वो तो अपनी जगह पे सक्षम है पर काफ़ी NGO से बात फाइंडर्स है आपके शांति सेवा फाउंडेशन है और अनगिनत फाउंडेशन है जो आम आदमी के लिए काम करते हैं। तो मोहसिन चिनप्पा फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा योगदान है। तो बीच में नारा लगता था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब मैं देख रहा हूँ कि बेटियाँ स्कूल जा रही बेटे घर में शरारती कर रहे। तो आई थिंक हमें एक नया नारा रहना चाहिए पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो हम सभी को इसमें योगदान देना चाहिए। आज भी छोटा सा योगदान था पर हमें ये देखना चाहिए कि जो आज की जो युवा है वो स्कूल से बोर नहीं हुए। काफ़ी टाइम लगता है कि यार ज्योग्राफी हिस्ट्री करना पड़ पर यहाँ पर आप आओ, खेल का माहौल है, शिक्षक अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं और हम जब स्कूल में तो हमारे टीचर्स हमारा ध्यान देती तो उसी तरह नीलम जी और बाकी आके टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस इनको आने वाले समय में अगर हम सब NGO मिलकर एक अच्छा सा स्कूल छोटा सा खोल के दें वो हमारा सपना है और आगे चल के जरूर संपूर्ण होगा। हमारे जो पड़ोसी के मुल्क हैं वो देख रहे हैं कि इतनी जल्दी भारत प्रगति क्यों कर रहा है, तो ये जो तिरंगे की तरह जो भावना है जो ऑरेंज ग्रीन और वाइट कलर है कहीं ना कहीं ये एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है और लोगों में काफ़ी उत्साह था। अभी और एक घंटे का रैली है तो आप तो कैमरा में कवर कर रहे हो और हमें उत्साह होता है जब वो उत्साहित होते हैं। तो जय हिंद। आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या कुछ कहना है, जिस तरह से आज का जो प्रोग्राम है रिपब्लिक डे 74 का रिपब्लिक डे उसकी खुशी मनाने के लिए और साथ में सरस्वती माता का जो सबसे अच्छा दिन है और विद्या का दिन है वो दोनों का मेल जो हुआ है ना और बहुत ही अच्छा लगा है कि हम संविधान के साथ भी है और विद्या के साथ भी जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी अच्छा मैसेज है और हम समाज को एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि बेटियाँ हो और बेटी कोई भी हो उसमें फर्क मत समझो, सबको पढ़ाओ और सक्षम बनाओ। और बेटों के लिए भी एक मैसेज है कि कभी भी बेटियों और लड़कियों को कम मत समझो और उनका कहीं पे भी सम्मान करो। आज सरस्वती दिन के मैं मैसेज देती हूँ कि सरस्वती एक माँ है तो तुम बेटियों का जब कुछ भी करते हो तो उनका अपमान होता है। लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ इनमें भी बसी हुई है, ये दुर्गा का भी रूप है चंडिका का भी रूप है, तो उनको कम मत समझो और इनका सम्मान करो। यही सबसे बड़ा मैसेज आज का दिन।